दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वीडियो द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में। पहले दो चैप्टर इससे पहले हम कर चुके हैं, वहां पर हमने देखा कि गैदरिंग कैसे किया, लोगों ने कैसे इकट्ठा किया चीजों को और उसको खाया। और वहां पे हमने देखा कि मेन हमने क्या देखा था, हमने वहां पर हंटर और गैदरर के बारे में पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फूड को ग्रो कराएंगे। और ये हम पहले से आप जानते हैं कि हम बुक पढ़ रहे हैं आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट। ये सोशल साइंस का पार्ट है आपका, हिस्ट्री का आप कह सकते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर आप चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी एंशंट के बारे में देख रहे हैं, सोर्सेस के बारे में। अब हम धीरे धीरे एंशंट हिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए हम दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जिसने भी मिस किया है इसको जरूर देखिएगा। थर्ड चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यहां पर हम देखिए ग्रोइंग फूड पर ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। हम कैसे खाने को हम गैदर अब नहीं करेंगे, अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। और आने वाले जो लेक्चर्स हैं, देखिए 12 चैप्टर हैं, एक एक करके सारा चैप्टर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये लड़की है, ये क्या करती है, ये बता रही है कि उसको कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ उसके फेवरेट फूड है, और उसकी नानी उसको घर में ही ग्रो कराती है। लेकिन वो उसके दिमाग में ये भी बात आती है कि वो कभी दूसरी जगह गई थी, वो एमपी में गई थी, तो क्या हुआ था, उसने खाना का वैरायटी देखा था, कई वैरायटी के खाना उसने देखा। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसको समझते हैं। हम वैरायटी ऑफ फूड क्यों देखते हैं, उसका रीजन क्या है बताइए। उसका रीजन ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जब भी जाते हैं, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे खाने में काफी डिफरेंसेस होते हैं। जो नॉर्थन रीजन में है वो राइस ज्यादा पसंद करते हैं, और साउथ में भी लोग राइस ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में आप देखेंगे दाल चावल ज्यादा खाया जाता है, और साउथ में आप देखेंगे चावल से बने चीजों को वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे डोसा। लेकिन यहाँ पर डोसा अब तो मिलने लगा है, लेकिन यहाँ का आप मेन फूड आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे हम कभी कभी उसको खा लेते हैं, लेकिन साउथ में जनरली आप देखेंगे डोसा वहां पे खाया जाता है। तो ये हम डिफरेंसेस देखते हैं। और ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आप देखेंगे चेंजेस होते जाते हैं। आप चाहे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं, कहीं भी जाएं आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। जहां पे ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी अवेलेबल होगा, वहां पे राइस ग्रो कराया जाएगा। जहां पे कम होगा वहां पे वीट और बाली ग्रो होगा। ये हम डिफरेंसेस देखते हैं, ये चीज हमको पता है, ये हम ऑलरेडी ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। यही चीज एनिमल के लिए भी आप एक तरीके से ध्यान दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शीप और गोट आपके हर क्लाइमेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन वहीं पे कैटल काउ अगर आप बात करें तो वो क्या होगा, वो हर कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ड्राई सीजन में, ड्राई रीजन्स में स्पेशली, या हिली एनवायरनमेंट में आप वहां पे काउ को कम देखेंगे। वहां पे जो काउ होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे हमने ये डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो चेंजेस आए इसके कारण क्या हुआ। हमने फार्मिंग को सीखा है, तो फार्मिंग हमने कब सीखा, डेट क्या है बताइए। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये 12,000 ईयर्स पहले की बात है जब हमने फार्मिंग शुरू की है। तो फार्मिंग हमने कैसे शुरू की है, हम ये देख रहे थे कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था,
12,000 ईयर्स पहले क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आया। क्लाइमेट क्या हो गया, क्लाइमेट वार्म होने लगा। जब क्लाइमेट वार्म हो गया तो वहां पे ग्रासेस ग्रो होने लगे, वहां पे हमने ग्रासेस देखे और वहां पे एनिमल्स ऐसे ग्रो हो गए, ऐसे एनिमल्स आ गए जो कि ग्रास खाते थे। और इन एनिमल्स को क्या हुआ, वो एनिमल्स खाने लगे जो वाइल्ड थे, जो जानवर खाते थे। तो ये हमने चीजें देखी हैं। और बाद में आप देखेंगे कि जो एनिमल्स ग्रास खाते थे ये कम वाइल्ड थे, ये ज्यादा खतरनाक नहीं थे, तो हमने इनको पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हम अभी समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि फार्मिंग कैसे हुई। तो फार्मिंग आपको अभी मैंने बताया कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ। क्लाइमेटिक चेंज के कारण क्या हुआ, हम जब देखे कि क्लाइमेट चेंज होने लगा है तो हमने प्लांट पे ध्यान देने लगे, एनिमल्स पे ध्यान देने लगे, फिर हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए। जब देखिए कि प्लांट ग्रो हो रहा है तो हमने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया एनिमल्स से, और जब हमने एनिमल्स से उसको प्रोटेक्ट किया तो वो ग्रो करने लगा, और ग्रो करने के कारण क्या हुआ, हमको सीड मिलने लगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सीड से हमने दूसरे प्लांट भी ग्रो कराए और वो फिर पक गए, और उससे हमको क्या मिला, फ्रूट मिला, वेजिटेबल्स मिला, उसको हमने खाया। और इस तरीके से हम एक क्या थे, हंटर गैदरर थे। अर्लियर पीपल की अगर हम बात करें, अर्लियस्ट पीपल की, तो क्या थे, हंटर गैदरर थे हम लोग, एक हंटर गैदरर थे। और फिर धीरे धीरे हम फार्मर में चेंज हो गए, हम फार्मिंग करने लगे। और इसी के साथ साथ जैसे ही हम फार्मर बने, इसके साथ साथ क्या हुआ, हम देखेंगे कुछ एनिमल्स जो कि बहुत ही वाइल्ड थे उनको हम क्या करने लगे, उनको हम अपने से दूर करने लगे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो कि उतने वाइल्ड नहीं थे, तो उनको हम साथ में रखने लगे और हम हर्डिंग करने लगे, हम उनको ले जाके चरवाने लगे, हम उनको ग्रास खिलाने लगे, और ग्रास खाने से उनकी हेल्थ बनने लगी और वो हमको बाय प्रोडक्ट देने लगे। बाय प्रोडक्ट मतलब हमको उनसे मिल्क मिलने लगा, और इमरजेंसी कंडीशन में हम उनको मार के खाने भी लगे, हमको मीट भी मिलने लगा। ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि हमने फार्मिंग भी की और हर्डिंग भी की। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक टर्मोलॉजी आ रही है कि डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है जब हम एनिमल्स को अपने घर में रखने लगते हैं। हम क्या हो, जब अच्छा एनिमल होता है, जब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, तो हम अपने साथ उसको रखने लगते हैं, वो हमारा फैमिली मेंबर हो जाता है, तो उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे हम डॉग रखते हैं, आज के डेट में हम कैट्स रखते हैं, कुछ लोग रैट रखते हैं, व्हाइट रैट्स रखते हैं, तो ये क्या करते हैं हम लोग, हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। और डोमेस्टिकेशन में क्या हो रहा है, हमको बहुत ज्यादा हमको डिफरेंसेस देखने को मिला कि यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे साथ एनिमल्स रहे वो बहुत ज्यादा उन्होंने दूसरे एनिमल्स को नहीं खाया, तो उनके दांत बहुत पॉइंटेड नहीं हुए। देखिए यहां पर देखिए, ये दांत कौन से हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं, ये दांत इनके बहुत ब्लंट हो गए, ये बहुत पॉइंटेड नहीं थे। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके दांत अभी भी बहुत पॉइंटेड हैं। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वो डॉग जो आप अपने घर में रखते हैं उनके दांत कुछ इस तरीके से होंगे, लेकिन जो जंगली जानवर जो बाहर घूम रहे हैं, जो कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, डॉग्स जो बाहर घूम रहे हैं, उनके दांत कैसे होंगे, वो कुछ पॉइंटेड होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ रही है। और ये डोमेस्टिकेशन का कब से शुरू हुआ है, तो इसका डोमेस्टिकेशन का टाइम वही टाइम होगा, 12,000 ईयर्स पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ। ठीक है, और हमने बिहेवियरल चेंज देखा, ग्रेजुअली हम डोमेस्टिकेट करने लगे। और यहां पर आप देखेंगे कि हमने कुछ प्लांट्स को अपने साथ भी डोमेस्टिकेट किया, अपने साथ ग्रो कराना शुरू कर दिया। तो अर्लियस्ट प्लांट कौन से हुए, वीट और बार्ली हुए, और अर्लियस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या हुए, वो हुए शीप और गोट।
ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो पुराना हम प्लांट की अगर बात करेंगे, जो सबसे पुराना प्लांट है वो हो गया वीट और बार्ली, और एनिमल की बात करेंगे तो वो हो गया शीप और गोट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इनके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। जो एनिमल्स होंगे उनके बिहेवियर में भी चेंज होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उनको बहुत एग्रेसिव नहीं होने देंगे, हम उनको ट्रेंड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे लाइफ बदल रही है धीरे धीरे। अर्लीस्ट पीपल की, पहले वो हंटिंग करते थे, अब वो सेटल लाइफ जीने वाले हैं। तो क्या चेंजेस आए? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्लांटिंग करना शुरू किया, फार्मिंग शुरू किया है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सीड को उगाना शुरू किया, और सीड को जैसे ही उन्होंने प्लांट किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे पेड़ निकल आए हैं। ये चीज हम देख पा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, सीड को हमने जमीन में गाड़ दिया है, इसको गड्ढा करके हमने यहाँ पे लगा दिया और इससे पेड़ निकल आया है। ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, देखिए पेड़ जब हम उगाएंगे तो हमको वहां पे रहना पड़ेगा और उसका ध्यान देना पड़ेगा कि जानवर उसको खा ना सके, और उससे हमको फिर बाद में ग्रेन्स मिलेगा और हमको फिर खाना मिलेगा। और पहले क्या होता था, हंटर्स क्या करते थे, तुरंत खाते थे और फिर अगले दिन के लिए उनको फिर से हंटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं होगी जब हम फार्मिंग करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने फार्मिंग करना सीख लिया, सबसे पहले उन्होंने सीड को प्लांट कराया, फिर वो वहीं पर रहने लगे एक ही जगह पे। हंटर गैदरर वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, काफी दिन तक रह गए और उन्होंने ग्रेन्स का ध्यान दिया। फिर वो फूड को रखने लगे, स्टोर करने लगे, और स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जमीन में गड्ढा किया और वहीं पे वो रखने लगे, पिट कर लिया उन्होंने, और नहीं तो पॉट में रख लेते थे, अपने बर्तन में छुपा लेते थे, बास्केट बना लिया उन्होंने इसको स्टोर करने के लिए। और साथ ही साथ जो ग्रेन मिला उसको वो सीड के तरीके से इस्तेमाल भी करते थे कि दूसरे पेड़ बने, और फूड के तरह इस्तेमाल करते थे, या कभी अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को भी वो गिफ्ट में दिया करते थे, क्योंकि उस समय बहुत डेवलप्ड सिटीज नहीं थी, उस समय गांव हुआ करता था, और आज के गांव भी उसके सामने बहुत डेवलप्ड हैं। और फूड को वो स्टोर करते थे कि इन फ्यूचर वो इस्तेमाल कर सके, ये सब काम ग्रेन से वो लिया करते थे। ये चीजें हमने यहाँ पर समझा है। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने वाटरिंग की, फिर वीडिंग किया, एनिमल्स को भगाया, तब वो ग्रेन उनको पूरी तरीके से अच्छे से मिला है। तो ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि उनको पूरा वर्क करने के लिए उनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे सेटल रहना होगा, एक जगह पे रहना होगा। तो यहाँ पे फार्मिंग में क्या किया इन्होंने, एक जगह पे सेटल होना इन्होंने सीख लिया। अब यहाँ पे हमने प्लांट के बारे में समझ लिया है, प्लांट से रिलेटेड हमने क्या काम किया, फिर एनिमल से रिलेटेड क्या काम किया अर्लीस्ट पीपल ने। वो प्लांट तो रखते ही थे अपने पास उगाने के लिए कि इन फ्यूचर उसका इस्तेमाल कर सके, और साथ ही साथ वो एनिमल्स को भी रखते थे। इससे क्या बेनिफिट होता था कि एनिमल्स को वो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, सिंपली या तो मार के उसको खा ले, उनको मीट मिल जाता था वो खा लेते थे, अब उनको बार बार हंटिंग नहीं करने जाना पड़ता था, या दूसरा वो सोर्स ऑफ फूड भी बन जाते थे। उनसे क्या मिलता था, आसानी से मिल्क मिल जाता था, जैसे शीप और गोट से मिल्क मिल जाया करता था। तो क्या ये जो कंडीशन हम ये बात बता रहे हैं प्लांट से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं एनिमल से रिलेटेड, ये क्या अभी भी कंडीशन होती है, ये सिमिलर कंडीशन क्या अभी भी आपको देखने को मिलती है? ये आंसर आप लिखेंगे, ये आप मुझे बताएंगे। अब यहां पे देखिए, कुछ साइटें मिली जो स्क्वायर शेप की थी, जो आप अभी मैप आपको दिखाऊंगा वहां पे आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, स्क्वायर शेप का साइट मिलेगा। वहां पे कहा जाता है कि सबसे पहली बार फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिली है। तो ब्लू शेप का जो स्क्वायर है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं मैप में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा मैप। यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान दें तो
कहाँ कहाँ पे आपको स्क्वायर शेप के स्पॉट दिख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए खुद से भी, मैं भी आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले बुरझोम कश्मीर में है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, चिरांद है बिहार में, फिर कोलडीवा और महागरा ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, दोजली हटिंग ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। यहां पर फिर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ये आपका आएगा पयमपली और जियो ये आपका हलूर, ये आपके रीजन्स हैं जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्वायर शेप का आपको न्योलिथिक साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम इनके डिटेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अब यहाँ पर ये जो हमने स्क्वायर शेप के साइटें देखी हैं ये आखिर सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिली है, तो आप मैप से भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमने कहाँ पर देखा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिला है, साउथ में मिला है, कश्मीर में मिला है और ईस्ट में मिला है, ये हम देख पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा साइटें आपको वहां पे मिली है। अभी तो ये हमने जो आपको साइटें बताई हैं कुछ हैं, और भी साइटें हैं जहां पे आपको ये स्पॉट्स मिले हैं। तो ये साइटों पे आपको क्या देखने को मिला है, आपको प्लांट्स मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं और आप देखेंगे कहीं कहीं पे ग्रेन्स जले हुए मिले हैं। तो ये साइंटिस्टों ने खोज किया कि क्या ये एक्सीडेंटली जल गए हैं कि ये पर्पसली जलाए गए हैं, तो इसके बारे में अभी साइंटिस्टों को क्लियरली पता नहीं है। और यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कराए गए हैं इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ साइटें हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको मार्क कराया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं जहां पे ग्रेन्स और बोन्स मिले हैं। तो साइटों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और न्योलिथिक तीनों जो साइटें हैं ये आपको यहीं पे मिली हैं, तीनों जो पीरियड है ये आपको यहाँ पे मेहरगढ़ में मिले हैं। और ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, अभी आपको मैंने बताया। यहाँ पे देखिए बहुत पानी नहीं बरसता है, और जहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं बरसता है, स्टैंडिंग वाटर नहीं होता है, वहां पे आप जानते हैं कि वीट और बार्ली ग्रो किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साथ ही मैं पढ़ूंगा जहां पे एक तरह के इन्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में क्या होगा, वीट और बार्ली पाया जाएगा। साथ ही साथ वैसा ही सिमिलर क्लाइमेट आपको कश्मीर में भी मिलता है, तो कश्मीर में यहाँ पे आपको दो साइटें मिलती हैं, एक है गुफकराल और दूसरा है बुरझो। यहां पर भी वीट और लेनसीड मिलेगा, वहां पे बार्ली मिल रहा था, यहाँ पे लेनसीड मिल रहा है। तो वीट, बार्ली और लेनसीड के लिए एक ही तरह के लगभग आपको कंडीशन चाहिए। तो बुरझोम में आपको क्या मिलेगा, वीट और लेनसीड मिलेगा, देखिए एक ही तरह के आपको क्लाइमेट मिल रहे हैं। और यहां पर चिरांद जो कि आपका बिहार में है वो भी एक ही तरह का कंडीशन है वहां पर, तो यहाँ पर भी वीट और बाले मिलता है, तो ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में आपको शीप मिलेगा, गोट मिलेगा, और वही आप यहाँ देखेंगे जो बुरझोम की बात कर रहे हैं कश्मीर में, वहां भी शीप मिलेगा, गोट मिलेगा, एक तरह का देखिए कंडीशन है। और यहाँ पे एडिशनल क्या चीजें आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको बफेलो मिलेगा, कैटेल मिलेगा और डॉग मिला है। और अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन की, एनवायरमेंटल कंडीशन की, तो यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का रीजन है जहां बहुत पानी बरसता है, तो यहां पर आप आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर राइस मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, कोलडीवा है और महागरा है, ये दो रीजन है जहां पे राइस मिलता है। और यहाँ पे कुछ फ्रैगमेंटेड बोन्स मिले हैं कोलडीवा में, और महागरा में कैटल मिला है। और यहाँ पर अगर हम आंध्रा की बात करें, आंध्रा का रीजन थोड़ा एक ही तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलेट पाया जाएगा दोनों जगह पर, चाहे हलूर की बात करें चाहे हम पयमपली की बात करें, दोनों जगह हमको मिलेट मिलेगा। और अगर हम कैटल की बात करें तो दोनों जगह कैटल मिलेगा, शीप मिलेगा दोनों जगह पर, और पिग मिलेगा। पिग देखिए यहाँ पे अलग सा है, पर
आप आंध्रा का अगर बात आएगा तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे पिग पाया गया था, ठीक है। और गोट, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रिमेनिंग चीजें हैं, जैसे कि हमारा बिहार में मैंने बताना भूल गया था, बफेलो और ऑक्स। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे याद कर सकते हैं देखकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ काफी डिटेल में। अभी हमने देखा न्यू टाइप की लाइफ जीना शुरू कर दिया अर्लीस्ट पीपल ने, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अब हम देखेंगे कि अब सेटल लाइफ जीने लगे हैं लोग, तो ये कहाँ पे होगा सबसे पहले, तो ये हम देखेंगे, यहाँ पर लोकेट करेंगे कश्मीर को, कश्मीर में है बुरझोम, यहाँ पर सबसे पहले लोकेट किया गया कि आखिर इस साइड पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हम कह सकते हैं कि इस समय के लोग काफी सेटल्ड लाइफ जीते थे, इसको अब हम भी देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बुरझोम को लोकेट कर चुके हैं, अब यहाँ पे बुरझोम हम कहाँ पे देखे हैं, ये कश्मीर में है, ये साइड कहाँ पर है, ये कश्मीर में है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस मतलब क्या होता है, देखिए अगर घर है किसी का, जैसे हमारा घर है, अब इसमें हम क्या करें, हम जमीन में गड्ढा कर लें, अगर कोई हम बुरझोम की तरह बनाना चाहें तो यहाँ पर गड्ढा कर लेंगे, नीचे जाने के लिए हम सीढ़ियां बना लेंगे, तब तो हम नीचे जा पाएंगे। तो ऐसे आपको लोकेशंस वहां बुरझोम में मिले हैं, और यहां से आप नीचे आए तो यहां पर आपके, जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पिट हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहां पे ये लोग रहते थे। तो बुरझोम में क्या मिला है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पिट हाउसेस मिले हैं जहां पे गड्ढा करके लोग रहते थे। और यहाँ पर एक और चीज पाई गई है, यहाँ पे हर्थ पाया गया है। हर्थ क्या होता है, देखिए हर्थ आप कह सकते हैं चूल्हा, चूल्हे पे क्या करते थे ये लोग, खाना बनाया करते थे। तो यहाँ पर चूल्हा सिर्फ घर के अंदर नहीं होता था, इनके घर के बाहर भी चूल्हे मिले हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि वो सीजन के हिसाब से वो कभी घर के अंदर बना लिया करते थे और कभी वो घर के बाहर बना लिया करते थे। तो ये चीजें हमको बहुत एविडेंट यहाँ पे बुरझोम में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो टूल्स हैं, यहाँ पे टूल दोनों ही पाए गए हैं, चाहे वो पैलियोलिथिक हो चाहे वो नियोलिथिक हो। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि वो नियोलिथिक टूल है, तो यहाँ पर हमने पहले भी आपको चैप्टर में बताया, अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए जितने भी ये टूल है ये पॉलिश्ड है और इनके जो एज है ये काफी पॉलिश्ड है, काफी अच्छे तरीके से इनको कट किया गया है, इनकी कटिंग एज काफी प्रॉपर आपको दिखेगी। यहाँ पे मोर्टार मिला है, पिस्टल्स मिले हैं जहां पे कि ग्रेन्स को बहुत अच्छे से ग्राइंड किया जाता था, तोड़ा जाता था। और ये पॉलिश टूल्स के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ओल्ड टूल्स भी कंटिन्यूड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बोन के टूल्स या ओल्ड टूल्स जो कि बहुत शार्प नहीं होते थे, बहुत अच्छे नहीं होते थे, उसको भी यूज किया जाता था। और यहाँ पे स्टोर करने के लिए आप देखेंगे पॉट्स बहुत इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये पॉट है, यहाँ पर ये किस लिए इस्तेमाल में आता था, ये स्टोरेज के इस्तेमाल में आता था, या हम इसमें कुछ पानी या कुछ इस तरह का सामान रखते थे। और ये जो पॉट होते थे ये बहुत ही डेकोरेटिव होते थे, जो बाहरी हिस्सा होता था ये कलरफुल होता था, यहाँ पे डिजाइन बने होते थे, अलग अलग यहाँ पे डिजाइन बनी होती थी, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिलती थी, जो आज भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ग्रेन्स जैसे कि राइस है, वीट है, लेंसीड है, ये काफी कॉमन था, ये काफी इनके डाइट में ये इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ पे कुकिंग प्रैक्टिसेस आपको पॉट में मिलता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे पॉट देख पाते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉटन का भी इस्तेमाल देखा है बुरझोम के आसपास, तो यहाँ पे ये काफी एविडेंट है कि यहाँ की लाइफ बहुत ही ज्यादा सेटल्ड थी। अब फार्मिंग और हर्डिंग पे ही लोग धीरे धीरे डिपेंड होने लगे, और जो हंटिंग गैदरिंग का जो प्रोसेस था इनका
उसको उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पे कुछ कस्टम्स भी फॉलो किए जाते थे, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे, उसको हम देखते हैं। और क्या देखा गया, जो फार्मर्स थे वहां पे, जो हर्डर्स थे, वो ग्रुप में रहने लगे। पहले क्या होता था, ये सेपरेट रहते थे, इंडिविजुअल रहते थे, या बहुत ही कम मात्रा में थे, लेकिन अब वो सेटल लाइफ जीने लगे और वो आसपास रहने लगे, आसपास घर बना के रहने लगे, और वो ग्रुप्स में रहते थे। और इस ग्रुप को क्या कहते थे लोग, इस ग्रुप को ट्राइब कहा करते थे, इसको आज भी हम ट्राइब कहते हैं। आज भी हम कई जगह पे ट्राइब्स को देखते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है या आंध्रा रीजन है, यहाँ पे आपको कई डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब हम कब कहेंगे, किसी भी ग्रुप को हम ट्राइब कब कह सकते हैं, जब मान लीजिए तीन जनरेशन के लोग आपको देखने को मिले। मान लीजिए ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, और ये उनका सन है। तो ये तीनों जब दिखे आपको एक जगह पर, तब मान लीजिए वो सेटल्ड है। और उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी, ये मेनली फार्मिंग पे डिपेंड करेंगे। इनका मेन काम क्या होगा, फार्मिंग होगा। हो सकता है कि हमारे भी तो ग्रैंडफादर होंगे, किसी के फादर हैं, सन है, तीनों लोग रह रहे हैं, तो क्या हम भी ट्राइब हैं? तो हम ट्राइब नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हंटिंग नहीं करते, हंटिंग गैदरिंग नहीं करते, हम फार्मिंग नहीं करते हैं, हम हर्डिंग नहीं करते हैं, फिशिंग नहीं करते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो कि फिशिंग करेंगे। आप तो यहाँ पर ऐसे लोगों को हम ट्राइब कहेंगे जो ये चीजें करते होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो वुमेन होंगी, ट्राइबल वुमेन जो होंगी, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर वर्क करेंगी, वो पूरा काम करती हैं, चाहे ग्राउंडिंग से लेके सीड को लगाने तक और पेड़ को बड़ा करने तक, हार्वेस्ट करने तक, सारा काम वो देखती हैं। और इनके बच्चे क्या करते हैं, जो जानवर आते हैं खेतों में, उनको भगाने का काम करते हैं। और जो मैन है वो मेनली बड़े बड़े हर्ड्स को लेके जाते हैं, बड़े बड़े जानवरों को साथ में लेके जाया करते हैं, और उससे फिर बाय प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, ये सब उनका कर, जो सफाई है और मिल्किंग करना है, क्लीनिंग करना है, ये काम मैन और वुमेन मिलके ही किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉट्स हैं, बास्केट हैं, टूल्स हैं, ये सब सभी मिलके बनाया करते थे। डेकोरेटेड जो हर्ड्स होते हैं उनको बनाना या सिंगिंग करना स्पेशल फेस्टिवल्स में, या ऐसे भी डांस करना, ये सब मिलके लोग किया करते थे। और अगर हम बात करें कि जो इनके मेन होते थे, वो ज्यादातर लीडर बना दिए जाते थे, जो दूसरों को वॉर में बचाते थे, जो दूसरों को क्या करें, अच्छी चीजों में हेल्प करें। और ओल्ड वुमेन्स का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता था इनके ट्राइब में, और इनके सेपरेट अलग अलग ट्राइब के गॉड और गॉडेसेस होते हैं। यहाँ पर भी जो आप देखेंगे कि रिच पुअर का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, और ट्राइबल पीपल में सबको इक्वल ही रखा जाता है। और यहाँ पर आप, अब हम लोकेट करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन, वो है मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ को अब हम समझने जा रहे हैं, तो चलिए पहले मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रीजन है पाकिस्तान का, ये है मेहरगढ़ का इलाका। यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखने को मिलेंगी मेहरगढ़ में। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम मेहरगढ़ को समझते हैं। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ में देखिए ये क्या है, पाकिस्तान रीजन में है, तो ये फर्टाइल लैंड होगा, आप ये चीज समझ सकते हैं रीजन के हिसाब से। और यहाँ पे बोलन पास है, जो पास क्या होते हैं, माउंटेन के बीच में निकलने का जो रास्ता होता है, बोलन पास से क्या होता है, पाकिस्तान से आसानी से ईरान के तरफ जाया जा सकता है। क्लियर है आपको, ये आसानी से यहां से जाया जा सकता है बोलन पास से। और बोलन पास एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ये। और यहाँ पे अगर हम मेन और वुमेन की बात करें मेहरगढ़ में,
तो ये वीट और बार्ली को ग्रो करते थे। और यहां पर सबसे पहले शीप और गोट के बारे में पता चला है। और यहाँ पे अगर हम एविडेंसेस की बात करें एनिमल बोन की, तो यहाँ पर अर्लीस्ट लेवल पे बहुत सारे बोन मिले हैं और यहाँ पे विलेजेस के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे शीप और गोट को भी यहाँ पे रखा जाता था, उनको बड़ा किया जाता था। अब यहाँ पे जो लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो लेवल क्या है, आप मान लीजिए यहाँ पे 1 लेवल है लैंड में, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे जमीन थी और समय होते होते यहाँ पर कोई दूसरा लेवल बन गया, तीसरा बन गया और ये चौथा लेवल बन गया। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, अब बगल से आपकी रोड जा रही है, तो आप देखेंगे कुछ कुछ दिन पे क्या होता है, रोड बनने लगती है और आपका घर नीचे होता चला जाता है और जो बगल की रोड है वो ऊंची होती जा रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल हम करते जाते हैं तो वो ऊपर होता जाता है। ऐसे ही सेटलमेंट्स में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे है ये अर्लीस्ट लेवल है, ये क्या है, ये अर्लीस्ट लेवल है, ये सबसे पुराना लेवल है। और ये जो सबसे ऊपर है ये न्यू लेवल है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये लेयर भी होगा अर्लीस्ट, जो हमारा ये हमारा लोअर लेवल है, अर्लीस्ट वाला लोअर लेवल होगा और ये हमारा अपर लेयर होगा, जो न्यू वाला होगा वो अपर लेयर होगा। इस तरीके से लेयर की डिस्टिंग्विश किया जाता है, हम अंतर बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समय समय पर लेयर जो होंगे वो जो अभी नए हैं कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो लेयर पुराने हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर मेहरगढ़ में जो हाउसेस थे, जो घर थे, उनका शेप क्या था, तो वो या तो स्क्वायर शेप के थे या घर रेक्टेंगल शेप के बने हुए थे और ये कंपार्टमेंट्स में टूटे हुए थे। कई इनके कंपार्टमेंट्स होते थे और कुछ कंपार्टमेंट को ये स्टोरेज के तरीके से इस्तेमाल करते थे, जैसे आज के डेट में हम करते हैं। हम भी कुछ रूम जो होता है वो स्टोर रूम के तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ का घर है। क्लियर है आपको? और जब खुदाई हुई तो खुदाई में देखा गया कि कहीं पे बरियल्स मिले हैं, जहां पे लोगों को गाड़ा जाता था, तो वहां पे हड्डियां मिली लोगों की और साथ ही साथ जानवर भी उनके साथ मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ये बिलीव थी कि जब भी कोई आदमी मर जाता है तो वो आने वाले जो उनकी लाइफ होगी उसमें उनका वो इस्तेमाल कर पाए, उनको खाने की कमी ना हो, इसलिए वो जानवर को भी साथ में गाड़ दिया करते थे कि वो उससे खाना बना के खा सके। तो एक जगह ऐसा था मेहरगढ़ में जहां पे एक इंसान था, जहां पे उसकी हड्डी मिली है और साथ में कई सारे गोट वहां पे पाए गए हैं। तो यहाँ पे गोट्स कई सारे पाए गए थे और ये हमारा मैन या वुमेन का यहाँ पे पाया गया है हड्डी। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या है, इनकी बिलीव थी कि लेटर लाइफ भी होता है, डेथ के बाद भी लाइफ होती है, ये इनकी बिलीफ हुआ करती थी। मेहरगढ़ में ये हमको साक्ष्य मिलता है। अब अगर हमारा तीसरा हम जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं साइट, वो है डियोजली हेडिंग। इसको पहले लोकेट कर लेते हैं। डियोजली हेडिंग देखिए अभी मैंने बताया था आपको, ये लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट का, ये डियोजली हेडिंग है, ये हिली रीजन है। इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए डियोजले हेडिंग, ये हिली इलाका है और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बहुत ही मेजर रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र वैली में ये आता है डियोजले हेडिंग। और यहाँ पे कई सारे टूल्स मिले हैं और यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इंडिया का, यहाँ पर आप क्या देखते हैं,
यहाँ पे ये साइड म्यांमार का है और ये चाइना का है, ये आप देखते हैं। तो यहां से आसानी से डियोजली हेडिंग से म्यांमार के तरफ और चाइना के तरफ लोग गए थे। यहाँ पे लोकेशन मिला है कि वो एक जगह से दूसरी जगह टूर किया करते थे, मतलब म्यांमार और चाइना में वो जाते थे। और यहाँ पे ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैदी स्टोन मिला है। ये स्टोन कहाँ से लाया गया है, कहाँ पे मिलता था, चाइना में मिलता था, तो हम कह सकते हैं कि चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट कराया गया था ये स्टोन। अब यहाँ पे कुछ फॉसिल मिले हैं, जब आप जानते हैं पेड़ मर जाए या एनिमल जब मर जाता है तो वो कुछ दिन के बाद जमीन के अंदर दब जाता है और वो इतना हार्ड हो जाता था कि वो स्टोन से भी हार्ड हो जाता था, तो वो टूल के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था फॉसिल वुड। और पॉटरी भी हमको मिली है, पॉटरी हमको यहाँ पे मिली है। तो ये हमने यहाँ पे डियोजली हेडिंग को समझ लिया है। और ऐसा ही लोकेशन कुछ हमको बाहर में भी मिला है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं अर्लियस्ट पीपल का। तो यहाँ पर हमने देखा कि टर्की में भी कुछ ऐसा लोकेशन है, टर्की में कैटल क्विक रीजन है जहां पर ये मिला है। यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ से हमने कई लोकेशंस के चीजों को पाया गया है, सीरिया का जैसे फ्लेंट है, रेड सी का कोरल्स है और मेडिटेरियन सी का शील मिला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेड उस समय भी बहुत ही कॉमन था। और यहाँ पर कार्ट नहीं होता था, जो चीज कैरी करते थे वो कार्ट में नहीं कैरी होता था, यहाँ पे एनिमल के बैक पे या ह्यूमन के बैक पे ही कैरी किया जाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको फॉरेन में भी देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं क्या वो हमको याद है या नहीं याद है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने क्रॉप को ग्रो किया इसको हम लंबे समय तक ऐसा किया हमने तो क्यों किया, हम जानते हैं इसका आंसर कि हमने फूड के तरीके से हमने इसको इस्तेमाल किया, या हमारा ये स्टोर में हम इसको रखे थे कि इन फ्यूचर हम इसको इस्तेमाल कर पाए, ये तुरंत हम खा सके, या हम इसको स्टोर करके लेटर पीरियड में हम उसको खा सके, इसलिए हम क्रॉप को ग्रो करने लगे। और उसके लिए हमको क्या करना था, हमको एक ही जगह पे काफी दिन तक रहना पड़ा, क्योंकि पेड़ को जब हम बड़ा करते हैं तो उस समय काफी प्रॉब्लम होती है और वो काफी टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, इसलिए हमको काफी समय तक एक जगह पे रहना पड़ा। अब यहाँ पे जो पहले हमने लड़की की बात की थी न्यो न्यो, तो यहाँ पे क्या उस वो क्या कह रहा है कि वो उसको राइस बहुत पसंद था। तो बताइए जो साइटें अभी हमने पढ़ी उनमें से राइस कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे देखिए आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी देना है। आप जानते हैं कि राइस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छे मात्रा में होता है। तो यहाँ पे कुलजीवा और महागरा में ये पाया गया था, राइस पाया गया, ये हम आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि मेहरगढ़ में हंटर्स और हडिंग जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ये हमको आखिर कैसे पता लगता है, आर्कोलॉजिस्ट ने हमको इनकी लाइफ के बारे में क्या क्या बताया है और ये हमारे लिए लेटर स्टेज पे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको तीनों स्टेज के साइटें मिली हैं और हंटिंग गैदरिंग से ही हमको फार्मिंग के बारे में पता चलेगा, कैसे वो कंडीशन बनी कि फार्मिंग हुआ और हम डेवलप आज के डेट में हम कैसे डेवलप हुए, इसीलिए हम एंशंट को पढ़ते हैं, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। तो यहाँ पे ये आंसर आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो मिलेट की बात करें, देखिए मिलेट हमने बताया था, मिलेट आपको आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहां की कंडीशन मिलेट को सूट करती है। तो हलूर था, पयमपली था। यहाँ पे आंध्रा के बारे में आपको मैं बता दूं, ये एंशंट आंध्रा की बात कर रहा है। अब कुछ इलाके होंगे जो कि पहले के डेट में आंध्रा में थे, वो अब हो सकता है कि कर्नाटका में चला गया हो या मध्य प्रदेश में चला गया हो या कुछ महाराष्ट्र में चला गया हो, तो आप
उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हम एशेंट की बात कर रहे हैं, तो एशेंट में ये कभी ना कभी आंध्रा में रहा होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा लोकेशन को लेके, जो लोकेशन बता रहा है आप एज इट इज उसको याद कर लें कि आपको ये समझने में आसानी हो। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम पुराने समय की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बुरझोम की बात करें, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो किस तरह के हाउसेस में रहते थे, मैंने आपको बताया था वो स्क्वायर शेप में रहते थे या रेक्टेंगल शेप के हाउसेस में रहते थे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया है, ये ट्रू है। अब चिरांद की अगर बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं ये बिहार में है, ये बिल्कुल फॉल्स है, यहाँ पे कश्मीर दे रहा है। और जैते जो स्टोन है, जैते या जैती जो भी आप कहिए, ये दोजली हेडिंग में पाया गया, ये कहां से आया था, ये चाइना से आया था, ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए हमने कितने आसानी से चैप्टर को पढ़ा और एक्सरसाइज को कर लिया। जैसे आप बार बार कह रहे थे कि एक्सरसाइज करिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप खुद से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां पर आप देखिए कुछ लिस्ट बनाने को कह रहा है हंटर्स और गैदरर्स के बारे में, यहाँ पे लाइफ क्या है फार्मर्स की और हर्डर्स की, यहाँ पे आप इसको डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बीच में। यहाँ पे एनिमल्स को लिस्ट करना है जो भी हमने पढ़ा, फिर सीरियल जो हम खाते हैं और जो पहले खाया जाता था उससे रिलेट करना है हमको। यहाँ पे हमको चार्ट बनाना है जो सीरियल जो लोग वो खाते थे और जो हम खाते हैं उसके कंपैरिजन में हमको लिस्ट बनाना है, और जो फार्मर्स ग्रो करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिए अपने से भी मैं बोलता जाता हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो सेम वो लिखा नहीं है तो कुछ मैं और कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिशनल आपको बताता रहता हूँ कि आप चीजों को समझें, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ डेट्स दे रखी है, जैसे कि डोमेस्टिकेशन कब हुआ, तो ये 12,000 ईयर्स पहले हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। सेटलमेंट सबसे पहले मेहरगढ़ में कब देखा गया, तो ये 8,000 ईयर्स पहले देखा गया मेहरगढ़ में, इसको आप याद रखेंगे। तो सेटलमेंट सबसे पहले कब देखा गया मेहरगढ़ में, 8,000 ईयर्स पहले देखा गया। और अगर हम बात करें कि डोमेस्टिकेशन की, तो 12,000 ईयर्स पहले देखा गया, तो पहले डोमेस्टिकेशन हुआ और फिर क्या हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबाया करिए। देखिए कुछ इस तरह का बटन बना होगा जो घंटी कहते हैं, इसको जरूर आप लोग दबा दिया करिए। इसको दबा लेने से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको आप नहीं दबाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल बटन जरूर दबाया करिए, ये सब्सक्राइब के बगल में ही होता है, यही कहीं पे आपको मिलेगा सब्सक्राइब के बगल में। और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करिए अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, नहीं पसंद आ रहा तो बताइए मैं कैसे वीडियो बनाऊं, ये आप ही मुझे बताएंगे, फीडबैक करेंगे, तभी मैं नया वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।